हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहाँ पे 20,000 का पीसी बिल्ड करने वाले हैं। ये पीसी आप लोग 720p की नॉर्मल सेटिंग पे आराम से GTA 5 खिलवा देगा और आपका जो भी नॉर्मल वर्क होगा वो भी आप लोगों का एकदम आसानी से निकाल देगा। और आप लोग इस पीसी में कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि पीसी में हमको जो गेम खेल लोगे आप, तो इसमें कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गेम में हमको परफॉर्मेंस कम मिल रही है या फिर गेम लैग होकर चल रहा है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप 720p पे GTA 5 खेलते हो तो बड़े आराम से खेल पाओगे। तो हमने इस पीसी बिल्ड में कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस पीसी बिल्ड में हमने प्रोसेसर यूज़ किया है राइजन AMD का एथलॉन 3000G, ठीक है ना। ये प्रोसेसर हमने यूज़ किया है और इस पर आप लोग 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स के साथ ये प्रोसेसर आ जाता है। और इसकी बेस क्लॉक स्पीड यहाँ पे 3.5 GHz की है। 5 MB की कैश मेमोरी मिल जाती है और 35W की TDP भी मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर अगर सपोर्ट करता है रैम तो इसमें 2667 MHz की रैम सपोर्ट करता है DDR4 की। तो इस पर हम यहाँ पे 2 RAM लगाने वाले हैं 4GB की, ताकि हमको अच्छी परफॉर्मेंस मिले, क्योंकि AMD के जो भी APU होते हैं वो आप लोगों को जो दो रैम अगर आप लगाते हो तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं सिंगल रैम के बजाय। और इस पर अगर हम बात करें इस पर कौन सा ग्राफिक कार्ड हमको मिलेगा इस प्रोसेसर पे, इस पर आप लोगों को Vega 3 का ग्राफिक कार्ड मिलेगा जो कि आप लोगों को 720p पर आराम से गेमिंग करवा देगा GTA 5 को। और इस पर बहुत बड़े बड़े गेम्स तो नहीं चल पाएंगे, पर GTA 5 आप इस पर खेल पाओगे आराम से, और इससे जो भी लोअर लेवल के गेम होंगे वो भी आप इस पर खेल पाओगे। तो यहाँ पे हमको Vega 3 का ग्राफिक मिलेगा और बाकी मैंने इसकी डिटेल बता दिए हूँ, लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस आप लोगों यहाँ पे अमेज़ॉन पे 7,200 रुपये का देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको AMD कंप्यूटर से बाय करते हो तो वहाँ पे आप लोग 6,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आप लोग दोनों वेबसाइट का बता दिया हूँ, अब आपको जो भी अच्छा लगता है जहाँ भी प्राइस कम मिलता है वहाँ से ले लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से लेते हो तो आप लोग और भी कम प्राइस मिलेगा, आप लोग प्रोसेसर 5,000 से लेकर 5,500 तक मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में। मैं आप लोग सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑफलाइन मार्केट से ही जो भी पार्ट्स लेना चाहो लो, क्योंकि वहाँ पे आप लोग काफ़ी सस्ता बिल्ड मिल जाएगा और आपका पीसी 20,000 से कम में भी बन के रेडी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मैंने इस पीसी बिल्ड में यूज़ होने वाले रैम की। तो रैम में मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ क्रूशियल की 4GB DDR4 की रैम। इस पर हमारा जो है 2666 MHz पे रन करती है। और यहाँ पे जिस मैंने आप लोगों को बताया था कि AMD के जो APU होते हैं वो डबल रैम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, मतलब अगर आप इसमें 4GB की 2 लगा दोगे या फिर 2GB की भी 2 लगा दोगे तो आप लोगों को ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी सिंगल रैम के बजाय। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो यहाँ पे 4GB के यहाँ पे 2 RAM यूज़ किए हैं, मतलब टोटल 8GB रैम हमारे PC में होगी। और ये रैम आप लोग ऑफलाइन मार्केट में आराम से 1500 तक मिल जाएगी, 1300 या फिर 1500 पे आप लोग मिल जाएगी। और अमेज़ॉन पे यहाँ पे आप लोग 1500 का प्राइस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 2 RAM यूज़ किए हैं, तो 3000 पे हम यहाँ पे 4GB की 2 RAM यहाँ पे लगाने वाले हैं। और यहाँ पे 2600 MHz पे रन करती है, तो इस पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड स्टोरेज की। तो स्टोरेज में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, HDD और SSD। तो अगर आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत है तो आप SSD पे जाइए, और अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप हार्ड डिस्क यूज़ कीजिए। तो हार्ड डिस्क में आप लोग बता देता हूँ, आप WD या फिर Seagate की 1 TB की हार्ड डिस्क ले सकते हो, जो कि आप लोग ऑफलाइन मार्केट में 3000 रुपये की मिल जाएगी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप हार्ड डिस्क लेते हो तो वहाँ पे आप लोग 1 TB की जब आप लोगे तो इसमें आप लोग 2 वेरिएंट आते हैं, एक आती है 5400 RPM की और एक आती है 7200 RPM की। तो आप लोगों ने क्या करना है, 7200 RPM वाली लेना है, वो 5400 RPM के मुकाबले ज़्यादा तेज़ होती है। और यहाँ पे अगर आप SSD यूज़ करना चाहते हो, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप SSD यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप क्रूशियल की 240 GB की यूज़ कर लीजिएगा, जो कि आप लोग आराम से आप लोग 2500 में मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग दे देगी। तो इस पीसी बिल्ड में जो 1 TB की 7200 RPM वाली HDD यूज़ करने वाले हैं, WD की तरफ से आती है, उस HDD को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और साथ ही 240 GB की यहाँ पे SSD भी हम यूज़ करेंगे। SSD में हम अपनी विंडो इंस्टॉल करेंगे और जो भी अपने को डाटा वगैरह रखना होगा अपने कंप्यूटर पे वो हम सब हार्ड डिस्क में रखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन बैठा सकते हो, या फिर अगर आपको स्टोरेज ही चाहिए तो आप हार्ड डिस्क भी ले सकते हो। बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड में हमने यहाँ पे यूज़ किया है MSI की तरफ से आने वाला MSI A320 MA Pro Max। ये मदरबोर्ड आप लोग 2 RAM स्लॉट के साथ आता है DDR4 का, और इस पर आप 32 GB तक रैम लगा सकते हो। और साथ ही एक अच्छी बात यह है कि इसमें आप लोग M.2 NVMe का सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप फ्यूचर में NVMe SSD लगाना चाहते हो तो आप इस मदरबोर्ड पर कर पाओगे। और बात करें इस प्राइस की, तो इस मदरबोर्ड का प्राइस आप लोग अमेज़ॉन पे 4000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन में भी खरीदते हो तो आप लोग 3800 या फिर 4000 उसके बीच में आप लोग मिल जाएगा। मैं फिर से आप लोग सजेस्ट करूँगा ऑफलाइन से पाए परचेस कीजिए सभी पार्ट्स, आप लोग और सस्ता यहाँ पे बिल्ड बन जाएगा और काफ़ी कम प्राइस में आप लोग पार्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। और अगर आप अभी जाके देखते हो मदरबोर्ड के प्राइस को, तो यहाँ पे 200-300 रुपये यहाँ पे आप लोग महंगा देखने को मिलेगा और वापस से अपने पुराने प्राइस पे 1-2 दिन पे आ जाता है। तो मदरबोर्ड हमने यूज़ किया। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो यहाँ पे पावर सप्लाई में आप लोग सजेस्ट करूँगा आप जो भी जेब्रोनिक्स की तरफ से या फिर
सर्कल की तरफ से यहाँ पे जो पावर सप्लाई आती है 500 या फिर 700 रुपए की, वो आप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको खतरा होता है, क्योंकि आपके पूरे मदरबोर्ड, आपके पूरे सिस्टम में पावर पावर सप्लाई से ही जाती है, और अगर पावर सप्लाई आपकी ख़राब हो गई तो ऐसे में वो पावर सप्लाई तो ख़राब होगी ही, साथ ही आपके मदरबोर्ड को भी डैमेज कर देगी। तो इसमें आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि 500 या फिर 700 800 वाली पावर सप्लाई ना लेते हुए आप एक अच्छी पावर सप्लाई लो, एक ही बार लोगे बाकी लंबे समय तक चलेगी और कोई भी रिस्क आप लोगों को नहीं होगा, आपके कंपोनेंट्स को भी कोई रिस्क नहीं होने वाला। तो यहाँ मैंने जो पावर सप्लाई यूज़ की है उसका नाम है एनटेक की तरफ से आने वाली VB450 वॉट्स की पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई आप लोगों को 80 प्लस वाइट की रेटिंग के साथ आती है, और जो 700 या फिर 800 रुपए की आप जो पावर सप्लाई लेते हैं उससे लागू ना अच्छी है। वैसे तो ये 80 प्लस वाइट की रेटिंग के साथ आती है, पर हमको ब्रॉन्ज से नीचे नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी मैं कहूँगा कि जो 700 800 रुपए की पावर सप्लाई से काफ़ी अच्छी है। और ये आप लोग यहाँ पे अमेज़ॉन पे यहाँ पे 2000 से 2500 के बीच आप लोगों को प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और अगर आप इसको ऑफलाइन खरीदते हो तो आप लोग और भी कम में ये देखने को मिल जाएगी। तो यही पावर सप्लाई यूज़ कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अब बात करते हैं कैबिनेट की, तो कैबिनेट में आप लोग सजेस्ट करूँगा ऑफलाइन मार्केट से आप 1000 या फिर 1500 के जो कैबिनेट आते हैं 500 या फिर 1000 के अंदर वाले, वो आप इस बिल्ड में यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें हमारा बजट अलाउ तो करता नहीं है कि हम यहाँ पे एक गेमिंग कैबिनेट लें। तो यहाँ पे आप सजेस्ट करूँगा कि ऑफलाइन मार्केट पे जाइए और यहाँ से कोई भी 500 या फिर 1000 रुपए के अंदर आप एक कैबिनेट परचेस कर लीजिए, वो भी वही आप लोगों के लिए सही रहेगा। और अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप अपने पीसी को एक गेमिंग लुक देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एनटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला IS200TG कैबिनेट यूज़ कर सकते हो। इसे आप फ्रंट में RGB स्ट्रिप्स और बैक में आप लोगों को एक RGB फैन देखने को मिल जाएगा, और साथ ही आप लोग इसमें टेम्पर्ड ग्लास और POC शाउट भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैबिनेट आप लोगों को मिल जाता है 3000 के अंदर में। तो ये आप अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हो या फिर ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड, यही सारे पार्ट्स यूज़ करके हमने इस PC बिल्ड को 20000 के अंदर बिल्ड किया है, और आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कि आप लोग ऑफलाइन मार्केट से पार्ट्स बाय करोगे तो ये 20000 से भी कम के अंदर में बिल्ड कंप्लीट हमारा हो जाएगा। और बात करें मॉनिटर की, तो LG की तरफ से एक मॉनिटर आता है जो कि 4 या 4500 रुपये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आप लोग 720p का डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाएगा, और ऐसी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो वो आप ले सकते हो, या फिर आपको जो भी दिल करे 5000 के अंदर मॉनिटर ले सकते हो, तो आप लोग ऐसे करके 25000 में बिल्ड हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।